Beta, we have already done AP. Now we are recalling GP. That is a topic from sequence and series. और मैंने आपको बताया था कि जैसे एपी में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, जीपी में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का बेटा जो डिफरेंस सॉरी रेशियो है दैट विल रिमेन सेम. ओके, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशियो दैट मींस टी टू बाय टी वन, टी जो है थ्री by t2, t4 by t3, all that ratio became same or see hum small r se represent karte hain. Okay, we denoted it by small r. Okay beta, now mere paas to hai beta yahan par jo job jaise normally hum kya kehte the ki ap mere paas जो है एपी की जनरल टर्म्स हम लिखते थे, ऐसे ही हमारे पास हो गए जीपी का भी बेटा स्टैंडर्ड एक जनरल जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं. अगर फर्स्ट टर्म ए है टी वन तो टी टू इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आर, टी थ्री इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आर स्क्वायर, सो ऑन. बेटा आप खुद सोचिए, अगर फर्स्ट टर्म है तो आर इज जीरो, सेकेंड टर्म है तो आर इज वन, थर्ड टर्म है तो आर इज टू, तो दैट मींस इफ nth टर्म इज देयर tn, तो कोई बता सकता है कि क्या टर्म होगी nth टर्म, व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ जीपी. हाँ जी दिव्यांशी, यस बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. मैम ए आर एन माइनस वन, आर रेस्ट पर एन माइनस वन. वेरी गुड वेरी गुड, ए आर एन माइनस वन मेरे पास हो गए, ये टर्म होगी. ठीक है, अब बेटा देखिए मेरे पास हो गए ये जनरल मतलब आ गया, दैट मींस अगर मुझे एट टर्म लिखनी है तो आई कैन राइट एज ए आर पावर सेवन. If I want to write 100th term, that means AR power 99. Same, AP jaisa hi concept hai. ठीक है, अब sum of मेरे पास हो गए nth term of an GP. Okay, sum of n terms of an GP. That means अगर SN A यानी सबको add करना up to AR power n. मैंने आगे भी बताया था a, ओके r पावर n माइनस वन ओवर r पावर r माइनस वन. मैंने आपको कहा था कई बुक्स में वन माइनस r पावर n ओवर वन माइनस r, टू मेक द टर्म्स पॉजिटिव. ओके, नॉर्मली हम बच्चों को कहते हैं कि ये फॉर्मूला तब लगता है व्हेन r इज लेस जो है वो ग्रेटर देन वन. ओके, कोई बड़ी बात नहीं, आप सीधा ये भी फॉर्मूला के लिए एक ही याद कर सकते हो, वो कॉमन लेके कटिंग हो जानी है, बात वही है. ये था अगर n टर्म्स है, अगर मेरे पास इनफाइनाइट टर्म्स है एंड r इज लेस देन वन, तो बेटा मेरे पास जो है ये फॉर्मूला बन जाता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी वेयर r इज लेस, क्योंकि जब आर कम होता जाता है ना तो टर्म्स भी डिक्रीज करती जाती है, तो फॉर्मूला विल बिकम दिस ए ओवर वन माइनस आर, आर इज लेस. ओके क्लियर, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके रिलेटेड. मेरे पास जो है फिर कोई और नया कॉन्सेप्ट आएगा तो वी विल स्टार्ट रिलेटेड. ओके, फर्स्ट मेरे पास हो गए एक्सरसाइज 9.3 का, एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, व्हाट दैट क्वेश्चन इज, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी
5 by 2, 5 by 4, 5 by 8, so on. ओके अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा यहाँ पर सबसे पहले a a will be the first term 5 by 2. ओके अब उसके बाद मेरे पास तो है r t2 by t1. t2 क्या है मेरे पास 5 by 4. t1 क्या है 5 by 2. 5 5 cancel, it will cancel, you left with the 1 by 2. Okay, because in order to write any term, you need A, you need R. Okay, so beta, now I am writing T20th. A plus 19D, 5 by 2 plus 19, sorry. मैंने AP का लिख दिया, habit पड़ी होती है ना AP के लिखने की, है ना? A R power 19, okay? So A is 5 by 2 and R is 1 by 2. Power 90. Okay? Yes, Samriddhi? Yes, Samriddhi, beta? Samriddhi, unmute yourself. Ma'am, R kya hota? Beta, abhi maine bataya ki R jo hai, wo ratio hoti hai. देखो मैंने अभी कैलकुलेट किया कॉमन रेशियो जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता है आर जो है वो कॉमन रेशियो होती है मतलब आप दो किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके देखो अगर वो सेम आ रहा है तो वो क्या बन जाती कॉमन रेशियो बनती है तभी तो हम क्या करते हैं उसे जीपी कहते हैं ओके समृद्धि मैम अगर हम दो कंजेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो सेम कहां से होगी वो ये देखिए आप इसको इससे डिवाइड करके देखिए क्या बना 1 by 2 आप इसको इससे बेटा अभी तो मैंने आपको जीपी बताया कि जीपी ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब देखिए इसमें आप टी टू डिवाइडेड बाय टी वन T3 divided by T2, T4 divided by T3. देखिए common ratio हमेशा R ही आ रही है. आप कोई भी divide करके देख लीजिए. सब में ये same है. Okay समृद्धि? R ही बनना है. Yes ma'am. है ना? आ रहा है ना? Yes ma'am. Divide करके. Yes ma'am. तो यहाँ पर भी देखो, उसने word GP पहले ही लिख दिया था. मतलब जीपी बनती तब है अगर मैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके देखूं जो डिवाइड करके आंसर आता है दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो एंड दैट इज डिनोटेड बाय आर ओके बेटा यस मैम यस मैम ओके चलिए बेटा अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास तो इसको सॉल्व करना अब आपको पता है 2 power 20 इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व तो बेटा इसको लीव द आंसर एज इट इज ओके लीव द आंसर एज इट इज इफ यू थिंक की कैलकुलेशन आर टू हाई ओके उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टेस्ट में यू आर ट्राइंग टू डू द कैलकुलेशन नो नीड टू डू इट इफ यू थिंक द कैलकुलेशन आर टू हाई मीन्स यू नीड मोर टाइम टू डूइंग द कैलकुलेशन Leave the answer up to this. No marks will be deducted for that data. Okay? Clear? Chale. Now, we can write the nth term. Ana? So, nth term kaise likhenge hum log? Beta dekhiye. General formula for AP. Ana? So, nth term kaise likhenge hum? Dekhiye, Tn. A r power n minus 1. और ए की वैल्यू 5 by 2 आर की वैल्यू 1 by 2 पावर एन माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 5 दिस इज 2 पावर एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 पावर एन आंसर बस ओके एनी डाउट अप टू दिस बेटा समृद्धि क्लियर है बेटा
समृद्धि. ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसका, है ना. चलिए बेटा नाउ लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन. ओके अब आप लोग सब ट्राई करना, सेकंड क्वेश्चन खुद देखिए मेरे पास हो गए. क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक बेटा. ओके फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन जीपी. आई नीड टू कैलकुलेट 12th टर्म whose 8th term is 192 and common ratio. Common ratio किससे denote करते हैं? Small r से. And that is given to 2. अब if I want to write a 12th term, you know कि 12th term's formula is ar power 11. आई नीड ए आई नीड आर. आर मेरे पास है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कैलकुलेट ए. कहां से कैलकुलेट करूंगी? यहां से बेटा. एट टर्म का फॉर्मूला ए आर पावर 7 इज 192. ओके अब क्या करूंगी मेरे पास यहां पर जो है ए की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है. आर इज 2 तो 2 पावर 7 192. अब ए इज 192 ओवर 2 पावर 7. अब इसी को मैं यूज करूंगी. आप कटिंग भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके आप कटिंग भी कर सकते हो. मुझे तो पता है 192 can be written as 2 power 6 into 3. आपको नहीं पता है ना. ठीक है अब हम क्या करें, 12th term निकालें सबसे पहले. ओके अब 12th term निकालने के लिए हम इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं. देखिए T12 A R power 11 A की जगह पे 192 by 2 power 7 लिख दूं, R 2 power 11. मैंने इसीलिए कटिंग नहीं की थी, मुझे पता है ये ना 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी. तो 192 ये 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 मींस 16. अब इनको मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके गुरसिरत क्लियर बेटा? जतिन पीयूष ओके. Now, बेटा, move toward next question. देखिए, बिल्कुल वही है, मैं बार-बार कह रही हूँ. AP का concept जैसा ही है, सिर्फ formula change होना है हमारा. Okay? अब देखिए, what is written in the third question? Just see. Third question. If 5th, 8th and 11th term of an GP, 5th term, they write T5. जो है वो P है, T8 वो Q है और T11 वो S है. They write show that Q square is equal to PS. अब इसको प्रूफ करना है ना बेटा. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यूज पुट करें. अब हम क्या करते हैं, T5 means A R power 4, ये P के इक्वल हो गया. Mark this first. T8 means A R power 7 Q. Second. T11 A R power 10 S. Mark this equation. Now put all the values on both sides. मैं लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करने लगी हूँ, मैं राइट हैंड साइड पे पुट करने लगी. ओके अब लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करूं मैं तो बेटा क्या बनेगा मेरे पास. हाँ जी लेफ्ट हैंड साइड इज क्यू स्क्वायर. ओके क्यू इज ए आर पावर 7 का स्क्वायर, दैट मींस ए स्क्वायर
r पावर 14. राइट हैंड साइड p इंटू s, p's वैल्यू इज a r पावर 4 इंटू s वैल्यू इज a r पावर 10. इफ यू सॉल्व इट व्हाट यू गेट, a स्क्वायर r पावर 14, बोथ आर सेम. So that means here left hand side is equal to right hand side, hence proof. Okay ji, any doubt beta, any doubt to anyone you can ask me beta. I'm again saying don't feel shy to ask anything. Bedadak hoke puchhiye sab. Okay, chale aage beta, chale. हाँ जी. नाउ बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज देयर. ओके नाउ व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर फोर बेटा. फर्स्टली रीड द स्टेटमेंट. ओके द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी, द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज square the second term. Okay, and the first term is minus 3. Determine the seventh term. They just write this. In order to find out the seventh term, what do you need? हाँ जी क्या चाहिए आप लोग? हर्षवर्धन unmute yourself beta. हर्षवर्धन Harshwardhan, that means you are not present. If you are not able to unmute yourself now, so that